बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम तारिक महमूद पीरज़ादा है और मैं इस दरगाह शरीफ हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहब, इनको आप लोग यहाँ पे पीर करम शाह टोपी वाला के नाम से जानते हैं, उनके ख़ानदान से हूँ और आपके दरबार की खिदमत मेरे फ़र्ज अव्वल में शामिल है। हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनका ताल्लुक ख़ानदान कुरैश के उस कबीले से है जो बड़े सग़ीर पाक हिंद में आके आबाद हुआ और जिसकी सबसे बड़ी और मारूफ हस्ती पूरे बड़े सग़ीर में हज़रत गौस बहाउल हक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउल दीन सकरिया मुल्तानी के नाम से जो आप सब जानते हैं। हज़रत गौस बहाउल्लाह की औलाद में से आप के ख़ानदान जो हमारे ये ब्रांच है, ये लाहौर तशरीफ़ लाए और लाहौर से बाद में फिर बाद हज़ार भेरा में आबाद हुए, भेरा ज़िला सरगोधा में। और हमारे ये जद्दे अमजद जो हैं हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह, ये 1790 ईस्वी के लगभग इस मकाम पे आए, कोहिस्तान नमक की इस बेआबो गया खित्ते में उन्होंने अपना मस्कन बनाया और यहाँ पे तकरीबन 60 साल के करीब उन्होंने तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दिया। यहाँ पे ही आपका 1852 में इंतकाल हुआ और उसके बाद आपकी तदफीन यहाँ पे हुई, जहाँ पे आपका मज़ार मुबारक जो है वो मर्ज खलायक है और ख़ास आम यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हाज़िरी देते हैं। ये दरबार शरीफ जो है इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में वो ज़ायरीन आते हैं जो मुख्तलिफ अमराज के सबसे ज़्यादा जो मर्ज़ है, जिनको दर्द गुर्दा या पथरी या कोई भी किडनी रिलेटेड डिजीज़ हों या ख़ारिश की तकलीफ़ हो, तो ख़ास तौर पे वो अपनी शिफा के लिए यहाँ पे हाज़िर होते हैं। ये जगह आप पेल में होनी चाहिए कि ये लिल्ला इंटरचेंज है जो मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान M2 से तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत पे है, तकरीबन 14-15 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। बहुत अच्छी सड़क है और अब लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे हाज़िर होना शुरू हो गए हैं। इज़्ज़त के साथ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये बात करना चाहूँगा कि हमने ज़ायरीन की सहूलत के लिए यहाँ पे जो लोग तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए यहाँ पे रिहाइश का, लंगर खाने का और बाकी दीगर सहूलियात का वसी इंतज़ाम कर दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि अब कोई भी जो आने वाले हमारे दोस्त, हमारे ज़ायरीन जो हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत में आते हैं, उनके लिए हर तरह का क़याम ताम और बाकी आसाइशों का भी बंदोबस्त है। तो इसलिए मैं उन बुज़ुर्गाने दीन के हवाले से ये कहूँगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी फैज़ फैलाया और उनकी बरकत से लोग आज तक मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को ये बताना ज़रूरी है कि जब
आपको अपने मुर्शिद पाक ने हुक्म दिया कि आप इस जगह जाएं और इस जगह पे अपना क़याम करें, तो ये कोहिस्तान नमक का बिल्कुल उजाड़ इलाका था। इसके लिए आपने इस चोटी का इंतखाब फरमाया जो इस वक्त हमारे सामने है ऊपर पहाड़ के ऊपर। और अब तो खैर उस मोटरवे के गुजरने की वजह से वो हर आदमी हर खास वाम उसको देखता है, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पे तो किसी बंदे का बशर का गुजर नहीं था। आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो वहाँ पे सबसे पहले आपने मस्जिद बनवाई, फिर आपने अपने रहायशगाहें बनवाई। वफात के वक्त अलबत्त आपने ये हुक्म दिया कि मेरा कब्र जो है, मेरी मज़ार जो है, उसको नीचे पहाड़ के बनाया जाए। शायद उनकी आँखें देख रही होंगी, दूरबीन निगाहें, कि यहाँ पर लाखों लोग उनके बाद भी हाजिर होंगे। ख्याल में ये भी बड़ा ज़रूरी है आपको बताना है दोस्तों को कि ये पीर दा खारा या पीर खारा शरीफ मशहूर क्यों है, नाम तो वजह तस्मीह क्या है। तो ये आम गलत आम ये लोग समझते हैं कि खारा लफ्ज़ जो है, यह चूँकि वो खारी पानी के लिए इस्तेमाल होता है जो नमकीन हो तो उसके लिए, और चूँकि नमकीन पानी का यहाँ पे चश्मा भी है बहुत बड़ा, तो इसमें असल में ऐसे नहीं है। खारा लफ्ज़ जो है ना, ये हमारे यहाँ हमारे इस खत्ते में इस्तेमाल होता है एक बहुत बड़े टोकरे के लिए, टोकरा जो बड़े साइज़ का टोकरा हो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यहाँ पे जहाँ पे आपकी रिहाइश थी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे तंदूर लगे हुए थे जिनमें रोटियाँ पक के उन बड़े खारों में ऊपर जाया करते थी। तो ऊपर जो ज़ायरीन होते थे, ज़ाहिर उस ज़माने में गुरबत भी बहुत थी, वो इस इंतज़ार में होते थे कि कब खाना आएगा, तो वो कहते पीर द खारा आ रहे हैं। वो पीर द खारा का लफ्ज़ जो है ना, ये इस वजह से यहाँ पर मशहूर हो गया। तो इसलिए इसका वजह तस्मिया जो है वो ये है। अब मैं एक और बात भी मेरे ख्याल में ज़रूरी है वजाहत करना। यहाँ पे कुछ अरसे से ना हमारे यहाँ ये एक रिवाज सा बन गया कि जी पीर खारे जाके पानी ले आएँ और पानी से ठीक हो जाएँ। ये पानी वाली बात बिल्कुल बेमानी और ग़लत है। पानी जो यहाँ पे बह रहा है उसका इस्तेमाल आपने रिकमेंड फरमाया और एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाई कि यहाँ पे आके जो ख़ारिश वाले लोग हैं वो यहाँ पे आके नहाएंगे या उस पानी को ले जाएंगे और नहाएंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। और लाखों लोग शवायाब होते हैं, मैं खुद भी उसके मुस्तफीज़ हुआ हूँ। लेकिन जहाँ तक तल्लुक है दर्द गुर्दा और पथरी के लिए किसी पानी का इस्तेमाल करना कोई हुक्म है ना कोई ज़रूरत है। ये यहाँ के जो हमारे कैन फरोश दुकानदार हैं इन्होंने इतना ज़्यादा इसको बना दिया है कि जी यहाँ से कैन लेकर जाएँ और पानी लेकर जाएँ, लोगों को ये गलतफहमी हो गई है। हालांकि हुक्म जो है वो सिर्फ दो रकात नफल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगने का है और दुआ मांगने के बाद यहाँ से तावीज़ मिलते हैं, उसमें भी अल्लाह करीम के ये तीनों नाम हैं या रब, अल्लाह अर रहमान, और इन्हीं नामों का तावीज़ आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी मुबारक में दिया करते थे और उसके बाद हम लोग आपकी जो औलाद है हम भी वही तावीज़ दिया करते हैं और अल्लाह ताला शिफा देता है। तो शिफा तो ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक ने खुद ही देनी है और ये पानी या ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह के बंदों ने जो मरवज फरमाई हैं, पानी का कोई हुक्म नहीं है। मैं इसको बहुत ज़ोर से वजाहत करना चाहता हूँ। अलबत्ता आपके पास हाजिर होना और ये तावीज़ ले जाने से अल्लाह ताला बहुत बहुत ज़्यादा मखलूक को शिफायाब फरमाते हैं और हमारे पास लाखों लोगों की मिसालें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह।